हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं हमारे एक बड़े अपडेट को लेकर। सो फ्रेंड्स, अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखना, और अगर बाद में पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करना, और बाद में सब्सक्राइब बटन को पुश करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आप लोग को पहले ही मिल जाएगा। ओके, थैंक्स। सो फ्रेंड्स, देखिए आज इकोनॉमी का जो न्यूज़ आ रहा है, वो न्यूज़ आ रहा है लगभग हाफ ट्रिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बन गया है। ये हाफ ट्रिलियन डॉलर जो बन गया है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पहले आज का जो गवर्नमेंट है उसके पहले ये फॉरेक्स रिज़र्व बहुत कम हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ये फॉरेक्स रिज़र्व इतना बढ़ना ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दे रही है इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये बात समझ लीजिए कि इसका जो ग्रोथ रेट है, इस महीने का लगभग 8.22% ग्रोथ रेट बना हुआ है। सो जो पहले महीने का था वो लगभग 2.5-3% के बारे में था, तो इतना ज़्यादा ग्रोथ होना कोई मामूली बात नहीं है, और इसलिए भी ये मामूली बात नहीं है क्योंकि कोरोना के द्वारा इतने दिन लॉकडाउन होने के बाद अगर ये ग्रोथ रेट इंडिया में आया तो ये बहुत ही खुशी का खबर ज़रूर है। तो फ्रेंड, लगभग सभी देश का जब फॉरेक्स रिज़र्व घट रहा है, तब इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व इतना ग्रोथ में बढ़ रहा है। सो फ्रेंड्स, और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है। लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देखिए तो वो 2.13% लगभग बढ़ा है हमारा एक्सपोर्ट, जो पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। और एक बात तो ये सच है कि अगर इंडिया का जो ग्रोथ है वो लगभग सस्टेनेबल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये बहुत ही बड़ा एक बात होगा इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे इधर जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का पर कैपिटल इनकम भी ज़रूर बढ़ जाएगा। सो आई होप इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। सो माय फ्रेंड्स, देखिए अगर चाइना का इकोनॉमी आज के डेट में भी बहुत बड़ा है, ये बात सच है, लेकिन उसका भी फॉरेक्स रिज़र्व बहुत घट रहा है, और कोरोना के द्वारा उसका फॉरेक्स रिज़र्व भी घटा है, और लगभग सभी देशों का घटा है तो उसका भी घटा है। तो इसलिए अगर इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व और इकोनॉमी ग्रोथ इसी तरह बढ़ता रहे तो आप मान के चलिए कि लगभग 2-3 साल में बहुत ही बड़ा चेंजेस हम लोग देख पाएंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, और शायद आपके लिए भी होगा। तो माय फ्रेंड्स, और एक बात भी गौर करने की बात है कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है इंडिया के ग्रोथ के बारे में, वो लोग बहुत ही पॉजिटिव है, और वो लोग भी इस ग्रोथ को बहुत ही सस्टेनेबल कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ बता रहा है। तो इसका भी तो कुछ वजह है, क्योंकि एक्सपर्ट जब बता रहा है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है और बड़ा बड़ा, तो वो भी जब बता रहा है तो वो तो कोई फालतू बात नहीं बता रहा है ना, और वो भी तो कोई डाटा देख के ही बता रहा है। सो आई होप कि ये बहुत ही
लाभकारी चीज होने वाला है इंडिया के लिए इन फ्यूचर में। और उसके बारे में देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और देश का जो पॉपुलेशन है, अगर इकोनॉमी ग्रोथ करेगा तो लगभग सभी देशवासियों का भी इसमें बहुत ही लाभ होगा। कैसे लाभ होगा अगर आप पूछ सकते हैं ये इकोनॉमी ग्रोथ करेगा तो कैसे लाभ होगा भाई, तो लाभ ऐसे ही होगा। आप धरिए कि चाइना का जो न्यूज़ है, अगर चाइना को इस कोरोना के द्वारा सारा वर्ल्ड में जो इम्पैक्ट पड़ा है साइकोलॉजिकली एंड मेंटली, उसके बाद वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अगर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ा हुआ है तो उन लोगों का जो फैक्ट्री चाइना में लगा हुआ है वो सभी चाह रहा है वो दूसरी कंट्री में वो फैक्ट्री शिफ्ट करे। और इसके लिए इंडिया का भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुल जाता है, क्योंकि अगर न्यूज़ में पहले ही आया था 1,000 से 1,200 कंपनी वो छोड़ के जाने वाला है। अगर आप धरिए कि इंडिया का छोटा मिनिमाइज करके धरिए, ये अगर 1,000 फैक्ट्री में भी 30% भी अगर इंडिया में उनका प्रोजेक्ट लगाएंगे तो क्या होने वाला है इंडिया का इकोनॉमिक पोजीशन तो बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि 300-400 जो कंपनी है उसके द्वारा जो इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा और जो इम्पैक्ट हमारे देश के पॉपुलेशन को पड़ेगा वो बहुत ही खुशी का खबर आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर पे जो काम का जो प्रॉब्लम है वो काम का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और एंसिलरी जो फैक्ट्री है वो भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगा। तो इंडिया के लिए जो ग्रोथ, ये ग्रोथ बहुत ही शुभ होने वाला है, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और आप लोग भी शायद मेरे बात से सहमत होंगे कि ये कोई मामूली बात नहीं है इस ग्रोथ को। हाँ, बड़ा बात है ये इस ग्रोथ को कंस्ट्रक्टिवली पकड़ के रखना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ये बात और ज़रूर ठीक तरह से निभा पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो सरकार का मेन मेंटल में है। सो फ्रेंड्स, आज तक इतना ही। अगर पसंद हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।